मिथिला मंच फिरोजाबाद के तत्वावधान में होली मिलन समारोह का आयोजन मैथिल ब्राह्मण धर्मशाला ओझा नगर में किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में मैथिल ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन रामबाबू झा ने तथा अध्यक्षता राम भरोसेलाल झा ने किया एवं कार्यक्रम का सफल संयोजन विवेक शर्मा के नेतृत्व में किया गया। फिरोजाबाद से शैलेश झा की रिपोर्ट, KIA न्यूज। बहुत सहेली जा पूछना बाकी है मिले स्वर जागो तुम मिला के वीर उठो हम तुम्हें जगाने आए हैं स्वधर्मों का नेक धर्म बलिदान बताने आए हैं। जय आज का प्रोग्राम ओझा नगर फिरोजाबाद में मैथिल धर्मशाला में रखा गया है और आज का जो प्रोग्राम रहा है काफ़ी सराहनीय रहा है और काफ़ी उत्साहवर्धक रहा है। इसका उद्देश्य यह है समाज को इकट्ठा करना, एकत्रित करना और समाज के प्रति जागरूक करना। तो मिथिला मंच के माध्यम से ओझा नगर की धर्मशाला में सामाजिक धर्मशाला आई है, इसमें कार्यक्रम हुआ है, युवाओं के माध्यम से कार्यक्रम हुआ है। हमारा प्रयास यही रहेगा युवाओं का उत्साह वर्धक होता रहे, युवा आगे बढ़ें। हम लोग युवाओं का सहयोग अगर नहीं करेंगे तो युवा आगे नहीं बढ़ेंगे। मेरा उद्देश्य यही है कि युवा एक से एक बढ़ते रहें और संगठित होते रहें। आज 100 की संख्या में, अगले प्रोग्राम में 200 की संख्या में हो, अगले प्रोग्राम में 500 की संख्या में हो, इसी प्रकार से हर जगह से आए हुए सभी युवाओं का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूँ और सबको बधाई देता हूँ। होली मिलन समारोह की हार्दिक शुभकामना। देखिए, मेरा नाम रामबाबू झा है, मैं मैथिल ब्राह्मण कल्याण महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ। छोटे भाई विवेक शर्मा जी जो मिथिला मंच के बैनर के अंतर्गत आज होली मिलन का कार्यक्रम रखा था ओझा नगर में, तो क्योंकि हम मैथिल ब्राह्मण समाज की राजनीति करते हैं तो बहुत अच्छे मन से ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम था। सभी समाज के लोग आदरणीय छोटे भाई विवेक शर्मा जी के अनुरोध पर सब इकट्ठे हुए ओझा नगर में। बहुत अच्छे मन से पूरे समाज को इकट्ठा करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और इसमें हम लोग निश्चित ही कामयाब होंगे और समाज के सभी प्रबुद्धजनों से अनुरोध कर रहे हैं कि जब भी इस तरह का कोई कार्यक्रम हो, एक द्वेष की भावना को खत्म करते हुए मेल मिलाप बढ़ाते हुए, क्योंकि हमें समाज में राजनीतिक हिस्सेदारी और भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए आगे आना ही होगा। हम अन्य भिन्न भिन्न संगठनों को हम चलाते हैं, चलाते रहें, लेकिन जब एकता की बात आए, जब राजनीतिक संगठन, जब राजनीति में हिस्सेदारी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए बात आए तो हमें एकजुट होना पड़ेगा और इसी संदेश को लेकर के हम लोग एकजुट हुए हैं। यह प्रोग्राम मिथिला मंच फिरोजाबाद के माध्यम से मैथिल ब्राह्मण धर्मशाला ऊर्जा नगर में रखा गया है, जिसका उद्देश्य हमारे मैथिल ब्राह्मण भाइयों का एकत्रीकरण करना है, उनको संगठनात्मक एक रास्ता निकालना है उनके लिए। जैसा कि आजकल राजनीतिक पार्टियां हम मैथिल ब्राह्मणों के लगभग 40-45 हज़ार वोट होने के बावजूद भी हमारी उपेक्षाएं करती हैं, तो इन उपेक्षाओं के लिए हम अपने समाज को संगठित बनाकर कार्य करेंगे और उन राजनीतिक पार्टियों को मुंहतोड़ जवाब देंगे।